Hello students, I'm Anamika Pasi. I have done MPhil Psychology, B.Ed, Postgraduate Diploma in Counseling Psychology. Today we will study about the concept, nature, aspect and factors of creativity. Concept of creativity. The word creativity comes from the Latin word creo, which means to create or to make. Creative लोग जो होते हैं उनके पास अलग अलग ideas होते हैं, different ideas होते हैं. वो अपनी जो creativity है वो हर एक चीज में inculcate करते हैं. जैसे कि एक painter है, वो painting करते हुए जो अपने creative ideas है, अलग अलग innovative ideas है, वो अपनी painting में inculcate करता है. और अगर problem solving की बात आती है तो किसी भी कंपनी में या किसी भी जॉब सेटिंग में जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करता है कि जो एम्प्लॉई वो हायर कर रहा है वो किसी क्रिएटिव बंदे को हायर करे, ताकि किसी भी जॉब सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अपने डिफरेंट आइडियाज लेके आए, इनोवेटिव आइडियाज लेके आए और वो क्रिएटिवली प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दे. Torrance creativity. Alice Paul Torrance was an American psychologist best known for his research in creativity. E. Paul Torrance ने एक Torrance test of creativity develop किया था, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. Definitions of creativity. Torrance 1974 defines creativity as a process of becoming sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies and so on. एक problem को identify किया जाता है, उसके solutions ढूंढने के लिए कई सारे guesses लगाए जाते हैं, possible guesses होते हैं कि ये problem आई है, इस तरह से इसका इसका solution निकाला जाता है, कि ये कुछ solutions हैं, कुछ hypotheses बनाए हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हमने गेसेस बनाए हैं, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है. तो अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई किया जाता है, नहीं तो उसका फिर टेस्ट रीटेस्ट किया जाता है और जो रिजल्ट होता है फिर उसको फाइनली कम्युनिकेट किया जाता है. देन अकॉर्डिंग टू रुमको 2004 इन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए थे कि इन फील्ड में जो है क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत होती है, जैसे राइटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, आर्किटेक्चर डिजाइन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग. नेचर ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल. क्रिएटिविटी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये किसी कास्ट, कलर, एज, लोकेशन से बाउंड नहीं है, कोई किसी तरह से ये कन्फाइंड नहीं है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. हम अगर कहते हैं कि इस कास्ट का जो जो हिंदू है वो क्रिएटिव होगा और जो दूसरी कास्ट का होगा वो क्रिएटिव नहीं होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा. अगर हम ये कह दें कि जो जो जिसका कम्प्लेक्शन डार्क है वो क्रिएटिव नहीं है और जो गोरा बंदा है वो क्रिएटिव है या वाइस वर्सा, तो वो भी कहना बिल्कुल गलत होगा. इसलिए जो क्रिएटिविटी है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये कन्फाइंड नहीं है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेके. सो क्रिएटिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कास्ट, कलर, क्रीड. इट इज नॉट बाउंड बाय द बैरियर्स ऑफ एज, लोकेशन और कल्चर. नेक्स्ट इज इट इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड. ये गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में हम इसको नरिश भी कर सकते हैं. कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट मिली होती है और लेटर ऑन इसको नरिश किया जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट्स कर करके, एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंसेस से जो क्रिएटिविटी है ये नरिश होती है, ये डिवेलप होती है. तो इसलिए ये इनेट भी है और एक्वायर्ड भी है. एक्वायर्ड जो नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको इसकी नरिशमेंट होती है, ये डेवलपमेंट होती है, वो उसे हम एक्वायर्ड कहते हैं. तो दिस इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड.
It produces something new or novel. Creativity is not a product of the stereotyped, rigid, or closed thinking. It encourages and demands complete freedom to accept and express the multiplicity of responses, choices, and ways of action. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरा जो हर एक का अपना फेवरेट सिंगर होता है, बट जो मेरा फेवरेट सिंगर है इज सतिंदर सरताज. तो हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि वो लिखता भी खुद है, गाता भी खुद है. और जब वो लिखता है तो वो इतने अच्छे अच्छे उसके लिरिक्स होते हैं, इतने अलग लिरिक्स होते हैं कि वो इतने आइडियाज इनकलकेट उसने किए होते हैं, इतने ज्यादा इमोशंस उसने उसमें डाले होते हैं. मुझे तो वो बहुत पसंद है. तो वो भी एक क्रिएटिविटी है कि खुद लिखना और इस तरह से लिखना कि आप किसी के फेवरेट बन जाओ, आपकी राइटिंग किसी को इतनी पसंद आए, आपके जो गाने का तरीका है, जो आपके सॉन्ग्स हैं वो आपको इतने लोगों को पसंद आते हैं. तो वो भी उनकी एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है. सो क्रिएटिविटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्ड, रिजिड और क्लोज थिंकिंग. नेक्स्ट इज, इट इज अ वाइड स्कोप. क्रिएटिव expression is not restricted by any limits or boundaries. It covers all the fields and activities of human life in any of which one is able to demonstrate creativity by expressing or producing a new idea or object. हम इसमें example लेते हैं, architecture की ले लेते हैं कि दुबई में जो palm tree है, बहुत ही सुंदर आइलैंड है, palm tree नहीं palm आइलैंड है, वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है. उसमें पहले तो किसी को ये आइडिया आया होगा कि आइलैंड में पाम ट्री की शेप में एक आइलैंड बनाया जाए. फिर उसमें वो उसको कैसे बनाने में उसको कितने लोगों की क्रिएटिविटी जो है उस पे लगी कि किस तरह से बनाना है, कैसा उसमें आर्किटेक्ट लगाना है, और किस और आसपास जो घर हैं वो किस शेप में होने चाहिए. मतलब इतनी सारी क्रिएटिविटी उसमें लगी हुई है, इतने लोगों की क्रिएटिविटी है, और जिसने ये थॉट लेके आया जो बंदा के एक आइलैंड बने जो पाम की शेप में बने, तो वो भी एक ब्यूटीफुल थिंकिंग थी, बहुत क्रिएटिव थिंकिंग थी. और एग्जांपल हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं. गाड़ियाँ बनाई, कई कई मॉडल्स आते हैं, गाड़ियाँ जब बनती हैं तो उसके एक से एक बढ़कर मॉडल आते हैं. और ये हमेशा सोचा जाता है कि पुरानी गाड़ी, जब नया मॉडल आता है तो पुरानी गाड़ी से ऊपर का मॉडल उसमें क्या अलग चीज डाली जाए, तो वो भी एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है. सो इट हैज अ वाइड स्कोप. No positive correlation between creativity and intelligence. Some researchers suggest that there is a curvilinear relationship between creativity and intelligence. They go together to some extent, but thereafter take different directions. As such, highly creative students need not necessarily be highly intelligent. जैसे कि कोई बहुत intelligent बच्चा है, स्कॉलर है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत क्रिएटिव भी हो. और जो बहुत क्रिएटिव बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो हाईली इंटेलिजेंट हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 जिसका बच्चे का सपोजिटली बच्चे का आईक्यू 20 है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत सुंदर गाता हो, ठीक है, वो बहुत सुंदर पेंटिंग करता हो. हो सकता है कि जिसका बहुत ज्यादा हाई आईक्यू है, जो स्कॉलर है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पेंटर हो या अच्छा सिंगर हो. सो देयर इज नो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. इट रेस्ट्स मोर ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग देन ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग. Convergent thinking is the process of finding single best solution to a problem that you are trying to solve. For example, जैसे multiple choice questions का example ले लेते हैं कि multiple choice question में एक single best answer हमें choose करना होता है. और divergent thinking is oriented towards driving new information minimally dependent on
Non-information. It is the process of creating many unique solutions in order to solve a problem. कि कई सारे solutions हम एक problem आती है उसके कई सारे solutions हम find out करते हैं. अब हम बात करेंगे convergent thinking और divergent thinking में क्या फर्क है. जो convergent thinking है it is systematic and logical. और जो divergent thinking है it is spontaneous and free flowing. Convergent thinking में it follow logical steps in order to find out single best solution to a problem. And in divergent thinking, we search for options. And in convergent thinking relies heavily on logic and less on creativity, whereas divergent thinking emphasizes creativity. Creativity has originality. Creative लोगों के पास हमेशा यूनिक आइडियाज होते हैं. इट इज इनोवेटिव. क्रिएटिविटी हैज द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इमेजिनेशन. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इज गोल ओरिएंटेड. मतलब कोई पेंटर है उसका गोल है कि उसने पेंटिंग बनानी है तो वो अपने कई सारे जो उसको आइडियाज आएंगे फ्री फ्लोइंग आइडियाज आएंगे वो उसको उसमें इनकलकेट करेगा. क्रिएटिविटी गिव्स हैप्पीनेस टू द थिंकर ऑफ न्यू इमेजिनेशन. फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ थॉट and behaviors is found in creativity. Creativity is of two types, verbal creativity and non-verbal creativity. Verbal creativity वो होती है कि जिसमें हम अपने ideas जो है वो language की help से express करते हैं, जैसे कि writing poems, stories, novels, singing, etc. और जो non-verbal creativity है इसमें हम अपने आइडियाज थ्रू पेंटिंग डांस और फैशन डिजाइनिंग ये इस तरह से हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं. नाउ वी कम टू द एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी. Sensitivity to the problem. यहाँ पे एक problem identify हुई. This is the ability to recognize that a problem exists. के बाद fluency. Fluency है कि जो problem identify हुई बच्चों को बोला गया कि आप इस problem में क्या क्या आप solutions देते हो. जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो देंगे वो हमारी होगी फ्लुएंसी. सो फ्लुएंसी डिपेंड्स लार्जली अपॉन द पर्सनल मेंटल हैबिट. दिस टर्म सिंपली मींस दैट अ पर्सन कैन पाइल अप लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू अ गिवन प्रॉब्लम इन अ गिवन टाइम. फ्लेक्सिबिलिटी. ये डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ आइडियाज हैं जैसे कि जितने हमें आइडियाज मिले उसको हम कैटेगराइज कर देंगे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे. सो फ्लेक्सिबिलिटी मींस द एबिलिटी टू कन्वर्ट फैमिलियर कॉन्सेप्ट्स इनटू न्यू शेप्स और जंप्स फ्रॉम ओल्ड कॉन्सेप्ट टू न्यू वंस. जितनी ज्यादा लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही जल्दी वो नई सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएंगे एडजस्ट कर पाएंगे. देन ओरिजिनैलिटी. ओरिजिनैलिटी है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछा गया क्रिएटिव लोग जो जिन्होंने कोई प्रॉब्लम दे दी गई पूछा गया कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है. या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक पेंसिल दी गई कि हम पूछेंगे कितने इस पेंसिल के क्या क्या यूजेज हैं तो वो हमें जितने यूजेज बताएंगे हम देखेंगे कि इसमें से कितने अनकॉमन यूजेज हैं और कितने इन्होंने कॉमन यूजेस बताए हैं. तो जितने अनकॉमन होंगे जितने यूनिक यूजेस होंगे वो हमारी ओरिजिनलिटी होगी. ओरिजिनलिटी मीन्स डिस्कवरिंग समथिंग न्यू यूनिक एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू अ वेरी एग्जिस्टिंग कंडीशन और न्यू वेज टू अडेप्ट एग्जिस्टिंग आइडियाज टू न्यू कंडीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ समथिंग दैट विल फिट टू एन एग्जिस्टिंग कंडीशन.
अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारा जो क्वेश्चन था, हमने पूछा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेंसिल। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? पेंसिल हम लिखने के पर्पस के लिए यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए यूज की जाती है, चॉपस्टिक्स, एज अ चॉपस्टिक्स हम उनको यूज कर सकते हैं, या फिर डोर स्टॉप, कहीं दरवाजा बंद करना हो तो बीच में अड़ा दी, उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, प्लिटिंग, चुभोने के लिए यूज कर सकते हैं, बन पिन, जो जूड़ा की जूड़ा बनाती हैं लेडीज उसकी पिन, और वाटर क्राफ्ट, इन चीजों के लिए ये जो पेंसिल है यूज होती है। तो उन्होंने हम मुझे 8 जवाब दिए, 8 आंसर जो थे, तो हमारी फ्लुएंसी कितनी हुई? 8, क्योंकि 8 आइडियाज जनरेट हुए थे। उसके बाद जितने यूजेस ऑफ पेंसिल्स उन्होंने हमें बताए, उन्होंने हमें 8 यूजेस बताए पेंसिल्स के, पेंसिल के। पहला था राइटिंग पर्पस, तो उनको हमने कैटेगराइज कर लिया कि किस कैटेगरी में ये फिट होते हैं। राइटिंग पर्पस हमारा स्टडी में फिट हो गया, पढ़ाई में। ड्राइंग हमने इसको 8 कैटेगरी में फिट कर लिया। चॉपस्टिक्स एक एक्सेसरीज हो गई। डोर स्टेप्स को हमने, वो भी हमारा जो डोर स्टेप था वो भी एक एक्सेसरी में आ गया। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट एक टूल कैटेगरी में हमने इसको फिट कर दिया। प्रिकिंग, चुभोना, मतलब एक वेपन की कैटेगरी में आ गया। बन पिन एक एक्सेसरी हो गई। वाटर क्राफ्ट जो है वो एक बच्चों की गेम हो गई। तो इसमें जब हम देखते हैं कि थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ आंसर सेम है, सेम कैटेगरी है एक्सेसरीज, तो हम इनको काउंट कर लेंगे कितनी कैटेगरीज उन्होंने हमें बताई हैं। इसमें नेक्स्ट काउंट किया है, तो वो जो एक्सेसरीज 3 थी उसको हमने एक कैटेगरी ले लिया, तो ये 6 कैटेगरीज हो गई। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो गई? 6। उसके बाद ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी में हमने देखा कि जो हमने 8 रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं उसमें से कितने यूनिक रिस्पॉन्सेज हैं और कितने कॉमन रिस्पॉन्सेज हैं। बच्चों ने हमें बताया कि पेंसिल के जो यूजेस हैं वो राइटिंग पर्पस के लिए काम आते हैं। राइटिंग पेंसिल से लिखना बड़ा कॉमन आंसर है, तो उसको हमने ओरिजिनलिटी 0 दे दी। पेंसिल से ड्राइंग करना इज ऑल्सो वेरी कॉमन आंसर, तो उसको भी हमने 0 आंसर दे दिया। पेंसिल को एज अ चॉपस्टिक यूज करना, वो एक अनकॉमन आंसर था, यूनिक आंसर था, तो उनको हमने उसके अकॉर्डिंग 3 मार्क्स दे दिए। और जो डोर स्टेप है, डोर स्टेप भी एक क्रिएटिविटी है कि हमारे पास जो लैच है वो खराब है और हम डोर को कैसे बंद करेंगे, हमने पेंसिल लड़ा दी, तो वो भी हमारे लिए एक यूनिक आंसर था। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट ये भी यूनिक था, प्रिकिंग भी यूनिक था, बन पिन भी यूनिक था, वाटरक्राफ्ट, बच्चे वाटरक्राफ्ट बनाते हैं उससे, वो भी यूनिक था। तो उसके अकॉर्डिंग जितने यूनिक आंसर्स थे उन वो हमारी ओरिजिनलिटी हो गई, उनको हमने काउंट कर लिया, तो हमारी ओरिजिनलिटी हो गई 16। इलेबोरेशन, इलेबोरेशन है कि आइडियाज को और डेप्थ में लेके जाना, डिटेल में लेके जाना, अपने व्यू पॉइंट्स को एग्जैजरेट करना। सो इट इज एन एबिलिटी टू एनहांस आइडियाज बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल, डेप्थ, मिक्सचर ऑफ व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव। इट इज इंडिकेटेड बाय द टास्क इन विच द एग्जामिनी इज गिवन वन और टू सिंपल लाइन्स एंड टोल्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑन दिस फाउंडेशन अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैंने बच्चों को एक पेपर से बना हुआ एग दे दिया और साथ में मैंने उन्हें एक फेविस्टिक दे दी, पेंसिल दे दी, रबर दे दी, शॉर्पनर दे दिया, और मैंने उन्हें बोला कि ये जो एग है एक पेपर पे पेस्ट करो और उसको अपने आइडियाज को इलेबोरेट करो, अपने आइडियाज को बढ़ाओ कि वो एग से हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो
बच्चों ने डिफरेंट आंसर्स दिए. किसी ने उस एग से फ्लावर बना दिया, किसी ने उस एग का एग को जो पेस्ट किया था पेंसिल के साथ ऊपर फ्लावर बना दिया. मतलब काफी सारे इलेबोरेशन, कई कई आइडियाज उन्होंने बढ़ा चढ़ा के हमें रिप्लाई दिया. तो वो हमारी थी इलेबोरेशन. ये एक पिक्चर है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन की. फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी. फर्स्ट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस प्लेज ग्रेट रोल इन क्रिएटिव थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी मेकर है, उसके पास एक्सपीरियंस है मूवीज बनाने का. और अब जब वो नई मूवी बनाएगा तो वो कोशिश करेगा कि अच्छे और ज्यादा जो क्रिएटिव आइडियाज है उस मूवी में वो डाले. तो उसको और नए नए आइडियाज उसके माइंड में आएंगे जो अपनी नई मूवी में वो डालेगा. सो एक्सपीरियंस प्लेज रोल इन क्रिएटिव थिंकिंग. द मोर एक्सपीरियंस वन हैज, द मोर पास्ट आइडियाज वन विल टू पुल इन टू द प्रेजेंट मोमेंट. नेक्स्ट इज फियरलेस. फियरलेसनेस, फियरलेसनेस है कि अगर आप डरते रहेंगे कि कोई आइडिया, इस आइडिया में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप वो आइडिया, आप क्रिएटिविटी जो है वो इनकलकेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज में. जैसे कि अब एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को डेवलप किया, जब मोबाइल ऐप डेवलप होती है तो उसके जो सक्सेस रेट है वो बाद में ही पता चलता है. और अगर आप पहले ही डरते रहेंगे कि मैं ये ऐप बना रहा हूँ और इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप वो ऐप नहीं बना पाएंगे, अच्छी ऐप नहीं बना पाएंगे. सो फियरलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिविटी में. पीपल शुड बी फियरलेस विद एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, फियरलेस विद देयर क्रिएटिविटी, एंड दे विल ओपन मोर डोर्स टू न्यू आइडियाज. किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है, इच्छा का होना बहुत जरूरी है. जैसे कि अगर म्यूजिक को कंपोज करना है तो उसमें अगर आपकी डिजायर ही नहीं है तो आप अच्छा म्यूजिक कंपोज नहीं कर पाओगे, उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अलग अलग आइडियाज इनकलकेट नहीं कर पाओगे. सो क्रिएटिविटी के लिए डिजायर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद है पर्सनैलिटी फैक्टर. आइजिंक ने कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट दिए थे जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सेल्फ एस्टीम, इंडिपेंडेंस, इंट्रोवर्जन, सेल्फ डिसिप्लिन और विलिंगनेस टू टेक रिस्क. ये कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी हैं. सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट क्रिएटिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि कोई इंसान इंसान बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, इंटरेक्शन करता है और कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. और ओपन डेमोक्रेटिक और फ्री सोशल इन्वायरमेंट उसको मिलता है जो कि क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. स्कूल इन्वायरमेंट. स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी को फोस्टर करता है. अगर स्कूल में स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होगा, तो वो बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटी को नरिश करेगा. स्कूल में साइकोलॉजिकल फ्रीडम, जैसे कि अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करना, अगर ऐसी फ्रीडम स्कूल में है तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव एबिलिटीज है, वो ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट में एनहांस होती हैं. टीचिंग मेथडोलॉजी. टीचर्स का जो टीचिंग मेथड है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की क्रिएटिविटी पे. जो टीचर्स लेक्चर मेथड यूज करते हैं वो क्लास को पैसिव बना देते हैं. जो टीचर्स एक्सेसिव होमवर्क देते हैं, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, ये हर्डल्स क्रिएट करती हैं इन द ग्रोथ ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स. और जो टीचर्स डिस्कशन मेथड यूज करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यूज करते हैं, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है बच्चों की क्रिएटिविटी के ग्रोथ के ऊपर.
Now I hope you understood the chapter of creativity. If you have any queries or suggestions, you may write in the comment box. Thanks a lot.